नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अफशा खान और आप देख रहे हैं फेस न्यूज़। हम खड़े हैं यहाँ आरएम पार में, जहाँ की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरे जोर शोर पर चल रही है। इसी प्रक्रिया को देखते हुए हमने कुछ मतदाताओं से यहाँ बात करने की कोशिश की है। कुछ यहाँ मतदाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने अपना मतदान अंदर जाकर किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। तो आपका स्वागत करते हैं आंटी जी। आपने जानना चाहेंगे आपके भावी प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा प्रत्याशी यहाँ हैं और लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, इसके लिए आपके भावी प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगी? मैं मोदी जी को देखना पसंद करूंगी। उसका कोई रीज़न, कोई कारण? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें काम देखने को मिलता है, इसलिए मैं उनको ही पसंद करूंगी। आंटी जी ने हमें बताया कि ये मोदी को देखना पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2014 से 2019 तक का कार्यकाल इन्हें शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये मोदी को देखना पसंद करेंगे। सर, आपका नाम के साथ में जानना चाहेंगे। ओम प्रकाश। सर, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? राहुल गांधी। सर, आपके नाम? किशन सिंह। सर, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? मोदी। कोई स्पेसिफिक रीजन? मोदी सरकार एक बार फिर, हम लोग चाहते हैं कि हाँ, उनके जो काम ये 5 साल में पूरे नहीं हो पाए ना, जो वो उसको पूरा करें। सर, जो काम 5 साल में पूरे नहीं कर पाए हैं, जिसे काम को 5 साल में जी। तो मैडम ऐसा है कि वो तो 70 साल में भी पूरे नहीं हुए, उनको छोड़िए आप, इनको अभी इन्होंने तो अभी पौधा लगाया, अभी पौधे को बड़ा तो होने दो। आपके नाम के साथ जानना चाहेंगे आपके व्यूज। माय नेम इज दीपक देन। मेरे व्यूज तो यही है कि मेरा सेकंड वोट था और दूसरा वोट मेरा मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट। अच्छा, कि वो जो काम करते हैं कि एवरीथिंग, जितना भी उनके इंटर प्रोसेसिंग है कि पहले जो काम नहीं हो रहे थे वो आज की डेट पर बहुत अच्छे अच्छे हो। जैसे कि जीएसटी कर दिया उन्होंने, नोटबंदी कर दी, जो काम नहीं हो रहे थे वो कर दिया उन्होंने, एकदम प्यार है सब कुछ भी नहीं। बट जीएसटी लोगों की फैसिलिटीज के लिए। अरे तो किसका प्लान था ये बताओ ना, किसका प्लान था? सबको पता है किसका प्लान था भाई। हाँ, तो तुम यहाँ से जो है ना, यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव ऐसे ही नहीं पहुँच गए हो। 70 साल में काम नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं पहुँच जाते। 1 घंटे में गुड़गांव हरियाणा ऐसे ही नहीं पहुँच जाते। आपके नाम? आज मेरा नाम आदिल है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ। फ्लाई ओवर देखिए, मेट्रो देखिए, सब कुछ देखिए। आप मुझे क्या दिखा रहा हूँ, तो सबको दिख ही रहा है, मैं क्या दिखाऊंगा इसमें। कुछ लोगों का कहना कि 70 साल में कांग्रेस ने पूरी तरह से हिंदुस्तान को लूट लिया है, खसोट लिया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लूटा क्या है? वो 70 साल की कमी पर मोहम्मद राशिद नाम है, और वो 70 साल की कमी पूरे 5 साल में पूरी हो चुकी है। जीएसटी की बात कर रहे हैं, मैंने एक काम स्टार्ट करा, 30,000 रुपए का माल मुझे बाहर भेजना है, उसके लिए पहले मैं जीएसटी नंबर लूं। मुझे पता नहीं है मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, पहले जीएसटी नंबर ले लूं मैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद, आप बताएं आपने किसको वोट दिया है? नहीं, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा किसको वोट दिया है मैंने। डिस्क्लोज नहीं कीजिए, आपके भावी नेता के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? वो तो आप इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ लिया आपने, किसको देखना चाहेंगे। मैं तो चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट आए उसकी गवर्नेंस अच्छी हो, उसकी वो जनता की सुने एटलीस्ट, क्योंकि अभी जो अंधा राज चल रहा है अभी। मोदी राज से अभी तक कितना आपको संतुष्टि मिली? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, फ्रेंकली मैं बताऊँ तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से जो डिसीजन थे उनके वो बहुत ही अनफाने वाले डिसीजन थे उनके, जिसके पीछे कोई वर्क नहीं किया गया, प्री प्लान नहीं था कुछ भी, बस बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया गया, जिसको प्री प्लान एग्जीक्यूट करना और प्लान करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो एग्जीक्यूशन नहीं रहा है कुछ ऐसा, तो वो से जनता को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और अभी कर ही रहे इनफैक्ट। तो हम तो वादे हैं, ऑल दैट, हमें सिर्फ एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को आगे लेके जाए, सिर्फ बोले ना, एक्सक्यूजेस ना हो, सिर्फ दिखावा ना हो, हमें सिर्फ हमें चाहिए हमारा देश टॉप पे हो। हमें कंपैरिजन करना चाहिए चाइना से, अमेरिका से, लंदन से, इनसे, नॉट पाकिस्तान। व्हाट इज द पाकिस्तान, है क्या पाकिस्तान? हमें उससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें अमेरिका से कंपैरिजन करना चाहिए। प्लानिंग में हो रहा है, होने काम सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। बल्कि जो मोदी साहब ने जो कहा उसके वगैरह कुछ काम नहीं हुआ, और फिर भी जो पीएम है क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे, फिर अगले 5 साल मोदी को दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपके पीएम ने काम ठीक नहीं किया, फिर भी आप वापस आप बनाना चाहते हैं या फिर वो बनेंगे?
नहीं वो बनेंगे या आप बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं उन्हें भी। आप बनाना चाहते हैं? आरामपट में कुछ मतदाता और हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तो देखिए इन्हीं मतदाताओं से एक बार फिर हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह के अपने भावी प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। सर, आपके नाम के साथ जाना चाहेंगे, किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं आप देश के लिए? सच्चा और ईमानदार। सच्चा और ईमानदार किस तरह का सर? राहुल जैसा। राहुल जैसे सच्चे और ईमानदार? सर, आपने आपका नाम नहीं बताया। राहत अली। राहत अली जी ने कहा कि वो राहुल जैसे सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री को चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम तनवीर अब्बास है। सर, बताएं आपके भावी प्रधानमंत्री के लिए बताइए। हमारा प्रधानमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। हमें चाहिए एक बहुत अच्छा और समझदार, जो कि देश को अच्छे से चला सके, अच्छे से तरक्की दिला सके, देश के बंटवारा ना हो, देश में अमन चैन कायम रहे और बहुत अच्छे से देश चलता रहे, लोगों के कारोबार अच्छे चले। लोग आज की तारीख में कारोबार से तराई तराई हुई हुई है, लोगों का खाने को महंगाई बढ़ी हुई है, जो आज से 5 साल पहले 200 रुपए की चीज़ मिलती थी, आज जो 600 रुपए की है, सिलेंडर 450 का मिलता था, 25 रुपए बढ़ते तो बीजेपी हाहाकार मचाती थी, आज 800 रुपए का है तो बीजेपी सब चुपचाप बैठी है। हाँ जी, बताइए आपके भावी नेता, आपके भावी प्रधानमंत्री, जैसे कि आपको पता है लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो रहा है, तो इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना होता है, किस तरह का प्रधानमंत्री चाहेंगी आप देश के लिए? मोदी जैसा। हमें तो मोदी ही चाहिए। आपको मोदी ही चाहिए? कोई इसका स्पेसिफिक रीज़न? रीज़न ये है, तरक्की है, अच्छा है, देश को संभाल रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। लेकिन राहुल जी के लिए तो पूरी तरह से भ्रांति फैली हुई कि 70 साल तक इन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है, उसके लिए क्या क्या? 4-5 साल में थोड़ी सड़कें रोड सब कुछ काम हो गया, इससे पहले भी तो है, इससे पहले भी सारा काम हुआ है। कहाँ झोपड़ी थी? कहाँ कांग्रेस की देन है। जी जी, आपके नाम के साथ बताइए, कहाँ झोपड़ी थी, कहाँ महल खड़ा है? यही सब जगह झुकी थी, वो झोपड़ियाँ थी। आज जो महल बनी है ये कांग्रेस ने करा और किसने करा है? आज जो देश में आज तक आया तो कांग्रेस ने ही चलाया है। हमारा प्रधानमंत्री हमारा राहुल गांधी होना चाहिए। 1 साल पहले मैं बॉम्बे गया था और हाजी अली की दरगाह पे उनके लिए मैंने दुआ मांगी थी, और इंशाल्लाह राहुल भाई बनेगा प्रधानमंत्री। ये चौधरी जी हमें बहुत बड़े अच्छा एक साथ युवा, और राहुल भाई युवा और लंबी देर से हो रहे हैं, वो बहुत बढ़िया, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा प्रधानमंत्री बने। चौकीदार चोर है। न्यू बीच पुरी में हम यहाँ पर मतदाता केंद्र से बाहर निकलने वाले कर्मियों के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ महिला हमारे साथ, महिला कर्मी यहाँ जुड़ी हुई हैं, जो कि अंदर मतदान कराने के लिए पूरे टाइम तक व्यस्त रही हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने पूरे टाइम तक अपना कार्य पूरा किया है। मैं येलो ऑफिस से हूँ और सब हम महिलाएं मिलकर जुलकर कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और जिसका काम बेहतर हो उसको जितवाए, और जो जीत जाए वो फिर पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे, ये नहीं कि जीतने के बाद जी अपनी कुर्सी पर टिक के फेविकॉल लगा कर बैठ जाए। अब आप आपके नाम के साथ कुछ बताइए। मैं पूनम मल्होत्रा, बीएलयू गीता कॉलोनी AC 60 से। इलेक्शन अच्छे से हो गई, बस यही बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, ये पूनम जी ने बताया। आप बताएं आपके नाम? मेरा नाम रीना, मैं अभी BLA हूँ, लेकिन हम चाहते हैं अगली बार इलेक्शन जब भी हो सर्दियों में हो, इतनी कड़क धूप में ना हो, धूप में हमारा तेल निकल गया इधर बैठे बैठे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। यहाँ की महिला कर्मियों का बहुत बुरा हाल हो गया है धूप में बैठ बैठ कर, तो ऐसा उनका कहना है। आप बताएं आपके नाम के साथ? मेरा नाम शोभा सेठी है, 15 ब्लॉक से। मैंने सोचा चलो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सब काम हो गया। हम BLO हैं, हम तो कह रहे हैं कि मतलब मतदान केंद्र बढ़िया से होना चाहिए, बढ़िया से ही हुआ। आप सभी को क्या लगता है कि कौन कौन आने वाला है? अब देखो कौन आएगा, जो जो काम अच्छा करेगा वही आएगा। बाकी अच्छे से हो गया मतदान, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, अच्छे से हो गया। उस्मा, आप किस तरह का भावी प्रधानमंत्री चाहेंगी इस देश के लिए? जो हमारे देश को अच्छा चला सके, मतलब विकास करे हमारे देश का। जी, विकास की बात करी जाए तो मोदी जी भी विकास के लिए बहुत कुछ कहते थे, तो मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ का उनके कुछ उपयोगिता, उनकी कुछ उपलब्धि या फिर उनकी कुछ नाकामियों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, अच्छा किया है उन्होंने, देश के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं आई हैं, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने तो कांग्रेस को वोट किया। जो देश की तरक्की करे उसी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अपना। तरक्की में आप किस तरह से चाहते हैं? मैडम, डेवलपमेंट हो और जो सांप्रदायिक चीज चल रही है वो सब ना हो, माहौल खराब ना हो। तो आज के मतदान के लिए कुछ बताएं हमें।
मतदान आज का थोड़ा सा उदासीन रहा है। असल में यहाँ पर सबको मालूम है कांग्रेस की कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ मिलकर इस तरह का दुष्प्रचार किया कि भाई सेंटर में तो गवर्नमेंट हम ही बनाने वाले हैं। अभी एक बात बताइए, सेंटर में गवर्नमेंट कहाँ से बना लेंगे कांग्रेस वाले? और सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे भी तो जब ही बनाएंगे ना, जब कम से कम मोदी की कुछ सीटें खाली होंगी। पहले तो जो नासूर है, अगर हमारा कोई अंगूठा कटा हुआ उसे निकालो ना, पहले तो उसे निकाल कर फेंको। क्या लगता है आपको कि किसकी बार आने वाली है? क्या फिर देखिए, इस सीट पर तो जैसा हम समझते थे, अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, पहले जब बग्गा जी का इलेक्शन हुआ था हमारा MLA का, तो उसमें 95% आम आदमी पार्टी को पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सिनेरियो चेंज हुआ है, तकरीबन 60% आम आदमी में पार्टी को है। जैसा बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुकाबला है कांटे का है, भाजपा का और आम आदमी पार्टी का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबला यहाँ कांटे का है और कुछ भी हो सकता है, और 23 मई के नतीजों के बाद ही हम इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आने वाले देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी होंगे या फिर नरेंद्र मोदी होंगे। देखिए, आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे या कोई थर्ड फ्रंट होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें इतना ज़रूर अब ध्यान रखना है कि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, जो हम एक दूसरे को टेढ़ी आँख करके देख रहे थे वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आपस में फिर हम सब भाई भाई हैं, सबको हमें फिर उसी भाई भाई का तरीक़े से रहना चाहिए। और कोई चर्चा नहीं 23 मई तक, अब क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है, कोई एग्जिट पोल के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई टेलीविज़न के सामने नहीं बैठना, सुकून से बैठना, 23 तारीख को जो होगा सो होगा, बात ख़त्म। चलिए, अमन और भाईचारे का बहुत खूबसूरत संदेश देते हुए हम इस को यहीं समाप्त करते हैं।